हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं जा रही हूँ अलीबाग फेरी से। बाद फर्स्ट टाइम है जो मैं अलीबाग फेरी से जा रही हूँ। कोविड के पहले गई थी मैं, 2-3 साल पहले गई थी। अब मुझे नहीं पता है कि फेरी चालू है नहीं चालू है, अभी सब जाके पता चलेगा। सो हम हो गए रेडी और अभी बज रहे 8:30। हमने यहाँ पे इडली और मेंदू वड़ा खाने के लिए भी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो वहाँ पे मिलते हैं थोड़े टाइम में। बाय। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो अब बज रहे मॉर्निंग के 8:30 और हम आ गए अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। सो सिंपल सा ब्रेकफास्ट करें, बिकॉज स्कूटी से हमें जाना था तो हमने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाया है। मुझे यहाँ का मेंदू वड़ा बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ से मेंदू वड़ा खाया। बाकी ने इडली और मेंदू वड़ा दोनों मिक्स प्लेट खाया था और कम से कम प्राइस में ये मस्त मिलता है मेंदू वड़ा और इडली। ये तो मैं ऐसे भी खा लेती हूँ बिना चटनी के। सो ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी हम निकले हैं बॉम्बे के लिए। तो अभी तक सोचा नहीं है कि हम लोग CST से जाएगी, गेटवे से जाएगी या मसगांव से जाएंगे। तो अभी हम लोग फिर हमने फेरी भाव का धक्का से लिया, हम लोग गेटवे नहीं गए बिकॉज वो बहुत दूर हो रहा था। तो यहाँ से हमारा अराउंड 1 hour 20 minutes का जर्नी था वाशी से। सो फाइनली हम भाव का धक्का पहुँच गए 1 hour 20 minutes का ट्रैवल करने के बाद। और यहाँ पे फिश इतनी फ्रेश है, सीधा समुंदर से निकल के आई है इधर की फ़िश। और बहुत वेराइटीज़ फ़िश है, बहुत वेराइटीज़ का फ़िश है। तो अगर आप लोग सिर्फ लेने आ रहे हो फ़िश तो आप इधर आके ले सकते हो, बट अगर आप अलीबाग का प्लान कर रहे हो तो फ़िश आप नहीं लेने का सोच सकते बिकॉज लेके कहाँ घूमोगे पूरा दिन। सो यहाँ पे हमें लग गया था 30 minutes बाइक्स के पेपर्स दिखाने, स्कूटी के पेपर्स दिखाने के लिए, टिकट्स लेने के लिए, फिर पानी और ऐसे टाइम पास में 30 minutes तक का वेट करते ताकि क्योंकि एक फेरी में जितने लोग आते हैं तो उनके लिए वेट करना पड़ता है। सो अभी हम बस, मैं तो फिश का ही शूट किए जा रही बिकॉज मुझे फिश बहुत पसंद है और यहाँ पर इतनी फ्रेश, बट हम अलीबाग जा रहे थे तो इसलिए नहीं लिया। और लौटते वक्त हम उरन से आए थे, यहाँ से नहीं आए थे। एंड पर पर्सन टिकट यहाँ पे 80 rupees पर पर्सन टिकट था, तो बहुत कम खर्चे में ही हम लोग पहुँच गए थे अलीबाग। पर पर्सन 80 rupees और हमने स्कूटी में आगे टाइम कुछ पेट्रोल डाला था 250 or 300 समथिंग। सो जो पेट्रोल हमें आने के टाइम में काम आया था तो कुछ इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ हमारा अलीबाग जाने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप बस से या प्राइवेट गाड़ी से जाते हो तो बहुत खर्चा होता है और ट्रैवलिंग भी उतना ही पड़ता है, लॉन्ग ट्रैवलिंग पड़ता है। तो यहाँ पे हमने टिकट वगैरह, गाड़ी के पेपर्स वगैरह दिखा के अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे बोट का। ये बोट जो गाड़ी है इसी में जाना है, बट लोग एक बोट आई थिंक रुकती है 1 hour, कुछ कुछ लोग आते हैं उसके बाद, बोट भरने के बाद ही जाती है। यहाँ पे M2M फेरी भी खड़ी थी, मुझे तो M2M फेरी में ही जाना था बट बहुत जल्दी मेरा प्लान हुआ तो उसका टिकट पहले बुक करना पड़ता है और कुछ प्रोसीजर है उसका, तो इस बार हम इसमें ही जा रहे हैं। बट डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम उसका व्लॉग भी डालने वाली हूँ और M2M का व्लॉग डालूँगी और M2M से मैं जाऊँगी अलीबाग। तो हम लोग जा रहे हैं अभी फेरी में
और हमारा स्कूटी लोग बाद में डालेंगे, पहले हम लोग गए और हम तो ऊपर ही बैठे थे। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर, बिकॉज नीचे इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, हवा भी नहीं आ रही थी ठीक से, तो हम लोग ऊपर ही बैठे थे पूरा टाइम। यहाँ से अलीबाग जाने के लिए कुछ 1.5 आवर लगता है फेरी से, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे पानी में, मुझे बहुत पानी पसंद है, जैसे मैं अपने हर व्लॉग में बोलती हूँ कि मुझे पानी की जगह या बोट ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो ऊपर हम लोग बैठे थे, रील्स बना रहे थे, मैं शूट कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत मस्ती करते हैं। हाँ, बस आते टाइम हमें ओरन से हमने छोटी सी बोट ली थी, क्योंकि पहले सारे बोट्स के टाइमिंग्स ओवर हो गए थे, 6:30 के बाद कोई बड़ी बोट जाती नहीं है, तो हमें छोटी सी बोट में हम लोग ओरन से अलीबाग से उरन गए थे हार्डली 10 मिनट्स में, क्योंकि उसका स्पीड, ये फेरी से स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, वो फटाफट फटाफट पहुंचा देती है। और आधे टाइम तो हमारा फ्री में ही हो गया था, बिकॉज़ वो अंकल ने हमसे पैसे लिए ही नहीं थे, तो बस जाने का ही 80-80 रुपीज़ लगा था बोट का, आई मीन फेरी का। और अगर आपको कुछ खाना है फेरी में, जैसे 1.5 आवर लगने वाले, तो आप खाने के लिए पहले से ही लेके आ सकते हो, बिकॉज़ फेरी में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ये वाली फेरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। M2M में आपको खाने के लिए पानी वगैरह सब बहुत कुछ अवेलेबल रहता है, इसमें आपको कैरी करना पड़ता है और लेना पड़ता है, बिकॉज़ हमने भी कैरी किया था। हम फेरी चालू होने से पहले बॉयल सिंह आए थे, बस वही एक चीज़ आती है फेरी में, बाकी सब आपको खुद ही कैरी करना पड़ता है। तो ये हमने ले लिया था, यही खा रहे थे बैठ के। तो अभी डाल रहे हैं स्कूटी, मुझे कब से वही मैं सोच रही थी कि स्कूटी आएगी कैसे, तो अभी लोग ने एक ऐसा बड़ा सा एक प्लाईबोर्ड रख देगा, उसके ऊपर से स्कूटी लोग लेके जाएंगे फेरी में। Like a sensei, Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right, cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas, make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting OC like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock, and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do, thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof, just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. I'll cry in the end when she leave and you take your juice. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop.
गाइस तो हम लोग अभी पहुंच जाएंगे, आई थिंक कुछ टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है, हम रील्स बना रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और पीछे का आप देख सकते हो पूरा सी के बीच में, समुद्र के बीच में, मुझे बहुत 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 मजा आता है। पानी दिल से मुझे बहुत प्यार है। और गाइस तो ये हमारे अंकल है, ये अब हमको लेके जा रहे हैं अलीबाग, बॉम्बे टू अलीबाग। अंकल आपका नाम क्या है? मकबूल आलम। कितना प्यार नाम है। इधर बहुत, आप कितने बोट लेके जाते हो दिन में? दो माने के अभी एक जाएगा, फिर शाम को अपन चार जाएंगे, फिर शाम को। अच्छा, तो एक बोट का एक की जन, एक जाएगा और एक आएगा। अच्छा, तो खाना पीना आपका किधर? कच्चा पक्का बनाते हैं। आइयो, तो अंकल हम लोग को लेके जाएगा, शाम को लेके भी आ जाएगी। थैंक यू अंकल, हाय बोलो मेरे YouTube पब्लिक को। हम अभी पहुंच गए अलीबाग। यहाँ से भी कुछ हाफ एन आवर का जर्नी था स्कूटी से। तो अभी हम लोग बीच हम पहुंच गए, ये कलीम बीच है। यहाँ पे हमने लंच किया, बहुत भूख लग रही थी तो हमने यहाँ पे पॉम्पलेट छोड़। ग्रेवी मजा आए ना? ग्रेवी कोलंबिया मसाले थाली कशी दिली तो हमारा खाना फाइनली आ गया है, चावल की रोटी, फिश, राइस, ये थाली ऑर्डर किया था एंड ये पॉम्पलेट थाली ऑर्डर किया था, सुरमई प्रॉन्स और चिकन सुखा अलग से ऑर्डर किया था, चपाती। बहुत ही यम था, मतलब मैंने आज तक ऐसा बता लाइक प्रॉन्स फ्राई और पॉम्पलेट नहीं खाया, इतना टेस्टी था। तो ये हमने फिर से रिपीट किया था सब और बहुत मज़े से खाया था। तो अभी मैं यहाँ का वॉशरूम्स है, तो हीना का बहुत इरिटेट हो रहा था कपड़ा, तो हीना आ गई थी चेंज करने के लिए और मैं आ गई हूँ अभी थोड़ा सा बीच एक्सप्लोर करने के लिए। सो आपको अगर आने का प्लान बना रहे हो तो आप आ सकते हो। सो यहाँ पे आपको खाने के लिए तो बहुत कुछ वैरायटीज में मिल जाएगा, नारियल पानी, मैगी, पानी पूरी, फुल थाली, खाना, चिकन, नॉन वेज, वेज, सब कुछ आपको मिल जाएगा इधर ये वाले बीच पे। और यहाँ पे कितने हैं अंकल? खाना टेस्टी भी बहुत है एंड यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन थे, बहुत क्लीन। यूजुअली मैं जल्दी कहीं वॉशरूम यूज़ करने नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो मैं जल्दी नई जगह पे एडजस्ट नहीं होती। बट यहाँ का जो वॉशरूम है, प्लस पॉइंट है यहाँ के वॉशरूम है, वो अंकल बार बार क्लीन करते हैं। तो आप ये बीच बिंदास आ सकते हो और आप घूम फिर सकते हो, कम से कम पैसे में आप अलीबाग का वन डे का टूर कर सकते हो। आप सुबह निकल जाइए पहला फेरी पकड़ के और लास्ट फेरी से आप आ सकते हो और पूरे दिन में आप बहुत इंजॉय कर सकते हो।
कितना सीट है? अच्छा, और आपका आपका कितना है? गाइस, तो हमारा खाना हो गया है। हमने पॉम्पलेट और सुरमई वगैरह ऑर्डर किया था, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी, इतना फ्रेश और गरम गरम मंगाया था, बहुत मस्त था। अभी हम लोग सब खा पी के एक घंटा वहाँ पे बैठे, थोड़ा धूप जाने दिया, थोड़ा क्लाइमेट ठंडा हो दिया, और अभी आई हूँ मैं इधर नीचे। वहाँ पे बहुत लोग स्विमिंग कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट मैं नहीं करी बिकॉज आज मेरे को पानी में जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो आज मैं बैठी थी, पहली बार ऐसा है कि मैं पानी देख के मैं गई नहीं और मैं चुपचाप बैठी थी खाली। सो पीछे बहुत लोग हैं, वीकेंड है, संडे है, तो हम लोग को फेरी से आने में 2 आवर्स लगा। फेरी से आने में हमारे को 2 आवर्स लगा मुंबई से। अभी बज रहे 5:30 होने आए, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर हम लोग आई थिंक 6:30 के फेरी से वापस जाएंगे मुंबई। वहाँ पे बनाना राइड्स भी है, मैं उतना दूर जा नहीं रही हूँ अभी। वहाँ पे बनाना राइड्स है, यहाँ पे एक दो हॉर्स राइड भी है और मोटर बाइक वाला भी है। तो आपको अगर आना है तो कम से कम खर्चे में आप आ सकते हो इधर और बहुत इंजॉय कर सकते हो, बहुत इंजॉय। आप वन नाइट स्टे भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, और फिर अगर आपको नहीं स्टे करना है तो आप ना स्टे करो, पूरा जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलो और पूरा दिन एंजॉय करके फिर शाम को, शाम की फेरी से आप जा सकते हो। 9 बजे का फेरी भी होता है इधर, लास्ट फेरी है 9 बजे का, बट उतना टाइम तक मत रुकना बिकॉज हाई टाइड होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, आप फंस सकते हो। सो हम लोग अभी 6:30 वाला फेरी से वापस जाएंगे। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करिए, और जल्दी से जल्दी मेरे ब्लॉग्स में ये वाले ब्लॉग को 10,000 लाइक तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मांग भी बट कर दीजिए। तो अभी हम जब निकलेंगे तब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़े टाइम बाद, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, तो मैं आपको मिलाऊंगी अभी मेरी आंटी से, जिन्होंने मेरी आंटी मतलब जिन्होंने हमें बहुत प्यार अच्छा अच्छा खाना खिलाया है टेस्टी। आंटी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अच्छा गरम गरम हम लोगों को खाना खिलाया। तो आप कितने टाइम से इधर, कितनी वर्ष है इधर? दस हो गया। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। और बारिश के मौसम में इधर लोग बारिश में आते हैं लेकिन कम आते हैं। अच्छा, बारिश अभी कोरोना से जरा कम है। हाँ, अच्छा लगा। तो आंटी ने खाना बहुत 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 टेस्टी बनाया था, हम लोग को बहुत मजा आया। हमने प्रॉन्स और सुरमई पॉम्पलेट बार बार मंगाया, और चपाती भी बहुत अच्छी थी और भाकरी भी बहुत अच्छी थी, बहुत मस्त। और इन्होंने भी, इनकी बेटी है, बेटी है बहू है, बेटी। हाय बोलो मेरी यूट्यूब फैमिली को। हाय, ये पीछे भी अंकल आंटी है। ये हमारे जेठ, ये फैमिली बिजनेस, तो इनका फैमिली बिजनेस है, ये इनका छोटू सा है
ये इनका छोटा सा ठेला है, बट इस पे मत जाइए, इनके यहाँ बहुत कुछ मिलता है। चिकन सुखा पूरा प्रॉपर थाली मैगी, चिकन सुखा मैंने टेस्ट नहीं किया बट उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। मुझे प्रॉन्स और पॉम्पलेट वगैरह सब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी खाना खा रहे लोग, 5:30 और इनको टाइम ही नहीं मिलता है खाना खाने का, तो सबको देना चाहिए ना अपने खाने का। हाँ ये मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, छोटा वाला बोट में जाना, बिकॉज मुझे ऐसे ओपन बोट्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे पानी में फास्ट बोट जाना। तो गाइस मेरा फाइनली मुंबई टू अलीबाग व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैंने बहुत मेहनत की है व्लॉग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।